हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्ट्रेलिया के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में जो कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कहलाते हैं और जिस पर कब्जा करना दूसरे किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन है। वैसे दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं किसी भी देश की GDP या आर्मी से शक्तिशाली कहा जाता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि किसी भी देश को शक्तिशाली सिर्फ आर्मी या GDP से नहीं माना जाता, बल्कि उसे पावरफुल बनाने के लिए कई और फैक्टर्स को भी जोड़ा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के बारे में। उससे पहले दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें, वीडियो एंड तक देखते रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। नंबर 1, अमेरिका। अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन ये हमेशा से इतना शक्तिशाली नहीं था। दरअसल अमेरिका शुरू से हथियार बनाकर दूसरे देशों को बेचा करता था, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। वर्तमान समय में अमेरिका दुनिया भर में हथियार सप्लाई करने के मामले में नंबर 1 पर आता है। साथ ही ये देश शुरू से ही टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता था, जिस वजह से अमेरिका में आज होने वाले हर एक घटना का असर दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ता है। अमेरिका हर एक चीज में आज दुनिया में नंबर 1 पर रैंक करता है, क्योंकि अगर हम अमेरिका की GDP की बात करें तो इसकी GDP $21.40 trillion की है, और GDP पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय $69,287 है, जिस वजह से अमेरिका के पास दुनिया की शक्तिशाली मिलिट्री पावर है, और अमेरिका अपनी सेना पर हर साल $778 बिलियन खर्च करती है। इन्हीं सभी वजह से अमेरिका को दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्री बोला जाता है। नंबर 2, रशिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग रशिया मिलिट्री पावर में दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है। रशिया के पास 6,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। साथ ही इस देश के पास सबसे आधुनिक हथियार और युद्ध प्रणाली मौजूद है, जिसके कारण रूसी मिलिट्री को कोई भी देश हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्षेत्रफल के हिसाब से रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसके पास 17,98,246 किलोमीटर² का क्षेत्र है, और जनसंख्या की बात करें तो 14,54,78,000 लोग इस देश में रहते हैं। इस देश का मिलिट्री बजट दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। रशिया अपने GDP का $61.7 बिलियन अपने मिलिट्री पर खर्च कर देता है। रशिया की इकोनॉमी काफी हद तक तेल पर निर्भर करता है। तेल उत्पादन के मामले में रशिया दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। नंबर 3, चाइना। दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाला देश में चाइना का नाम भी आता है। साथ ही आबादी के मामले में भी चीन दुनिया में नंबर 1 पर आता है। चीन की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है, और GDP के मामले में चाइना अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। चाइना के हर 1700 लोगों में एक लोग एंटरप्रेन्योर है, जो कि उस देश की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बनाता है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे विशाल सेना है। चीन के पास 22 लाख सेना है और 11,70,000 रिजर्व सेना है, जिस वजह से आर्मी के मामले में चाइना दुनिया में तीसरे नंबर पर रैंक करता है। चाइना की GDP की बात करें तो इसकी GDP $18.32 trillion है। दोस्तों, जब बात हो रही है दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के बारे में, तो इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है हमारा अपना देश भारत। बीते कई सालों में इंडिया ने भी अपने अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है, जिससे भारत में 6.5% की अर्थव्यवस्था में वृद्धि भी हुई है। जनसंख्या के मामले में इंडिया भी चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इंडिया की जनसंख्या 138 करोड़ से भी ज्यादा है। मिलिट्री पावर में इंडिया दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। भारत के पास 14,55,000 एक्टिव पर्सनल है, वही भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व पर्सनल है। इंडिया के पास कुल 11,55,000 रिजर्व पर्सनल है। दोस्तों, साथ ही हम बात करें भारत की GDP का, तो भारत ने अपने $4.92 trillion की GDP का 2.9% मिलिट्री पर ही खर्च किए हैं और हथियार खरीदे हैं, जिसकी वजह से इंडिया हथियार खरीदने के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले समय में यानी 2050 तक इंडिया, अमेरिका, रशिया, सऊदी अरब जैसे देशों को पीछे छोड़कर मिलिट्री पावर में दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएगा। मिलिट्री पावर के अलावा भारत लिटरेचर, आर्ट और कल्चर के वजह से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। साथ ही हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट और योगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक ऊंचे दरबार का देश बनाती है, तो हम भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। नंबर 5, जापान। 22,56,00,000 लोगों की आबादी वाले इस देश में समय का बहुत महत्व है, और जापान के लोग दुनिया में सबसे मेहनती माने जाते हैं। तभी तो जापान दुनिया में अर्थव्यवस्था में अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आता है। अगर हम जापान की GDP की बात करें तो जापान की GDP $5.586 trillion की है, और ये अपने टोटल GDP का 1% अपने मिलिट्री पर खर्च करता है। शुरू से ही जापान अपने टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता आया है, तभी तो आज टेक्नोलॉजी जापान की पहचान बन गई है। वैसे जापान की सेना दूसरे कंट्री के मुकाबले काफी छोटी है, लेकिन पावर में किसी से भी कम नहीं है। जापान के पास 21,47,000 एक्टिव पर्सनल है और 56,000 रिजर्व पर्सनल है, जो कि दूसरे कंट्री के मुकाबले बहुत ही कम है। फिर भी जापान पावरफुल कंट्रीज में अपना नाम रखने में सक्षम हुआ है। नंबर 6, साउथ कोरिया। वैसे तो साउथ कोरिया एक छोटा देश है, लेकिन ये एक काफी विकसित देश है। साउथ कोरिया का नाम एशिया का सबसे अमीर देशों में भी आता है। साउथ कोरिया की आबादी की बात करें तो इस देश में
5 करोड़ 13 लाख लोगों से भी ज्यादा रहते हैं। साउथ कोरिया की सबसे खास बात यह है कि इसके पास दुनिया की 6th सबसे बड़ी एयरफोर्स है। वहीं साउथ कोरिया की जीडीपी की बात करें तो साउथ कोरिया की जीडीपी 1.80 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि दुनिया में 10वें नंबर पर आती है। ये देश अपने जीडीपी का 2.8% अपने मिलिट्री पर खर्च करता है, जिसे साउथ कोरिया पावरफुल कंट्रीज में 140 देशों के अंदर 6th नंबर पर आता है। साउथ कोरिया के पास 5,55,000 एक्टिव पर्सनल है और 2,75,000 रिजर्व पर्सनल है। दोस्तों, ये थी दुनिया के कुछ टॉप पावरफुल कंट्रीज। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा।